आउट देयर वेलकम बैक टू एडुकेशन मशीन एंड मी। और आज जिस ब्यूटीफुल एसयूवी के बारे में ढेर सारे बात आप लोगों से शेयर करने वाले हैं वो है टाटा के तरफ से ऑल न्यू ओबीडी2 कंप्लायंट टाटा हैरियर डार्क रेड एडिशन। तो स्पेसिफिकली कहूँ तो ये जो वेरिएंट आपके सामने है ये XZ मैनुअल एडस वेरिएंट है। तो वीडियो में फर्दर आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू थैंक बैनर्जी ऑटोमोबाइल्स, उन लोगों के शोरूम में आके उन लोगों के इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे इस कंटेंट बनाने का परमिशन देने के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैनर्जी ऑटोमोबाइल्स का सारा कॉन्टैक्ट डाल दूंगा। अगर आप बर्धवान के टेरिटरी से हो और टाटा के प्रोडक्ट्स के ऊपर दिलचस्पी रखते हो तो बेझिझक कॉल कीजिए, एफोन पर बुक करके सीधे शोरूम में चले जाइए और नज़दीक से देख लीजिए आप लोगों का फेवरेट टाटा प्रोडक्ट्स को। सो हियर इट इज द ब्यूटीफुल टाटा हैरियर XZ मैनुअल प्लस रेड डार्क एडस वेरिएंट। तो इस एसयूवी के लुक से बारे में मैं क्या ही बोलूं, बहुत अच्छा इसका रोड प्रेजेंस है, बहुत ही एक मस्कुलर इसका लुक से, मतलब जहाँ पे भी इस गाड़ी को लेकर आप जाओगे, जहाँ पे भी ये गाड़ी खड़ा रहेगा लोग तो घूम घूम के देखेगा, इतना तगड़ा इसका रोड प्रेजेंस है। ये गाड़ी बहुत लंबा है, इसका जो ओवरऑल लेंथ है ये 4598 मिलीमीटर, इसका विड्थ भी बहुत अच्छा है, इसका विड्थ है 1894 मिलीमीटर, और इसका जो व्हील बीस है ये भी मैसिव है, ये है 2741 मिलीमीटर। तो लेंथ बोलिए, विड्थ बोलिए, व्हील बेस बोलिए, सबसे हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या ही लुक्स है भाई, क्या ही फीचर्स है, क्या ही फंक्शन है इस गाड़ी का। तो इस गाड़ी का जो ओवरऑल लुक्स है, क्रीज बहुत है, प्रोमिनेंट व्हील के ऊपर आपको एक बल्ज देखने को मिलेगा और एक स्ट्रेट लाइन आपको फ्रंट व्हील के पीछे से रियर तक देखने को मिलेगा। पूरा गाड़ी का जो डिज़ाइन है फ्रंट से लेके रियर तक स्कूप आउट करके जाता है, तो साइड से भी देखोगे तो इस गाड़ी का जो लुक से बहुत ही आपको किलर लुक्स देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं इसका फ्रंट से। हालांकि यहाँ पे आपको डार्क का बैजिंग देखने को मिलेगा, तो फ्रंट में अगर आप जब देखोगे इस गाड़ी को तो फ्रंट में आपको Xenox HID प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिलेगा, बेसिकली ये लो बीम के लिए, और यहाँ पे आपको हाई बीम देखने को मिलेगा पर ये हैलोजिन का है। उसके साथ नीचे में आपको एक हैलोजिन फॉग लैम्प देखने को मिलेगा, इसका कलर है पियानो ब्लैक और यहाँ पे मैट ब्लैक का इस्तेमाल किया है टाटा वालों ने। और यहाँ पे एक डुअल फंक्शन LED DRL विथ टर्न इंडिकेटर देखने को मिलेगा। जब आप गाड़ी को लॉक करोगे ऐसे तो ऑटो फोल्ड हो गया, जब ऑन करोगे तो ये फीचर्स मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा शरारत करने का मन करता है इस की से, इस ब्यूटीफुल से की से। और सामने आपको एक बहुत ही प्रोमिनेंट वीफी ग्रिल देखने को मिलेगा, ये डार्क का एडिशन है इसीलिए टाटा का जो बैज है ये डार्क में है, और ये रेड डार्क एडिशन है इसलिए आपको यहाँ पे भी रेड का इंसर्ट देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको यहाँ पे एक कैमरा देखने को मिलेगा, नीचे भी एक प्लास्टिक का ये ग्रिल है। साइड प्रोफाइल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक OVRM मिलेगा विथ इंडिकेटेड टर्निंग इंडिकेटर, और यहाँ पे आपको एक कैमरा देखने को मिलेगा। ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए रिक्विजिट सेंसर डोर लॉक है यहाँ पे। रियर में जब आप इस डोर को ओपन करोगे एक मिनट, तो एक फीचर्स आपको देखने को मिलेगा वो है ये, यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिलेगा। नाइट के टाइम में जब डोर को ओपन करके अंदर बैठने चाहोगे तो ये एक बहुत ही हेल्पफुल फीचर है मेरे ख्याल से। और पीछे आया जाए तो आपको एक बहुत बड़ा एक मैसिव टेल लाइट यूनिट देखने को मिलेगा, LED का है। यहाँ पे क्लियर ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे रेड ग्लास का, यहाँ पे भी क्लियर ग्लास का। यहाँ पे पार्किंग लाइट है और यहाँ पे रिफ्लेक्टर है। रियर में हैरियर का प्रोमिनेंट बैचिंग देखने को मिलेगा आपको, ब्लैक कलर का टाटा का लोगो देखने को मिलेगा। रियर में रियर डिफॉगर है विथ वाइपर, ये ऑटोमेटिक नहीं है, और यहाँ पे भी आपको एक कैमरा देखने को मिलेगा। अब जब इस बूट को ओपन करना चाहोगे इस की को प्रेस कीजिए, जस्ट हल्का सा यहाँ पर प्रेस कीजिए तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोलिक है और यहाँ पे एक पार्सल ट्रे है, और जब ये ओपन होगा तब आपके सामने 425 लीटर का एक मैसिव बूट स्पेस निकल के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ सामान रखने का जगह है और स्पेयर व्हील इसके अंदर है, और यहाँ पे अगर देखो तो कुछ टूल्स है, पंचर रिपेयरिंग किट वगैरह कुछ है, और ये एक टायर इन्फ्लेमेटर है, और आपको यहाँ पे एक JBL का सबवूफर देखने को मिलेगा।
अगर रियर सीट को फोल्ड कर दोगे तो ये वाला जो स्पेस है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये जो डोर है इसको नीचे उतरना थोड़ा सा झंझट भरा काम है, जैसे कि आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, फिर इसको खींचना पड़ेगा, फिर इसको दबा के भाई ऐसे करके लॉक करना पड़ेगा। ये अगर ऑटोमेटिक हो जाता तो और भी बहुत अच्छा होता। और इस गाड़ी का जो कलर आप देख रहे हो ये है बोल्ट ओबेरॉन ब्लैक कलर का, और यहाँ पे आपको एक शार्क फिन एंटेना भी ऊपर में देखने को मिलेगा। और ये जो XZ मैनुअल प्लस वेरिएंट है, यहाँ पे आपको 18 इंच का चारकोल ब्लैक अलॉय व्हील देखने को मिलेगा। फ्रंट में रियर में दोनों जगह पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। ये रेड डार्क एडिशन है इसलिए यहाँ पे कैलिपर का कलर भी रेड है, ये भी बहुत मैसिव है। ये जो इंजन है ये क्रायोटेक 2.0 लीटर का एक टर्बोचार्ज BS6 फेज 2 मतलब OBD2 कंप्लायंट एक इंजन है, जहाँ पे आपको 1956 सीसी का एक इनलाइन 4 डीजल इंजन देखने को मिलेगा। और इसका जो पावर है बहुत तगड़ा पावर है, इस इंजन से आपको 3750 RPM में 170 PS का पावर देखने को मिलेगा, और 1750 से लेके 2500 RPM के बीच में आपको 350 मैसिव न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिलेगा। तो जैसा इसका लुक्स है उतना तगड़ा इसका इंजन भी है। तो अभी करते हैं काम, अंदर जाते हैं और अंदर जाके इसका जो इंटीरियर है उसको एक बार बारीकी से देख लेते हैं। और अब जब इस गाड़ी के अंदर बैठने जाओगे तब एक मस्त चीज़ आपको देखने को मिलेगा, वो है ये। फर्स्ट अनलॉक कीजिए, उसके बाद डोर को ओपन कीजिए, और दरवाज़ा खोलते ही ये जो सीट है थोड़ा सा नीचे चला जाता है, फिर थोड़ा सा पीछे से रख जाता है, जो कुल मिला के आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग्स देने वाला है। हमेशा जब दरवाज़ा आप खोलोगे तब ये फीचर्स तो आपका दिल लुभा देगा भाई, ये तो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया है, ये एक बहुत तगड़ा चीज़ है। और इसके जो सीट है ये रेड डार्क एडिशन है इसलिए ये सीट भी रेड कलर का है, और यहाँ पे डोर में भी आपको रेड कलर देखने को मिलेगा। और ये जो सीट है इसका जो अपहोल्स्ट्री है ये लेदर का है, और ये जो सीट है ये वेंटिलेटेड है। तो बैठते हैं इस गाड़ी के अंदर और बारीकी से इंटीरियर का जो चीज़ है उसको एक बार देख लेते हैं। ओके, तो गाड़ी में बैठने के बाद जो चीज़ फर्स्ट आप नोटिस करने वाले हो वो इसका स्टीयरिंग व्हील। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग स्टीयरिंग व्हील है, डार्क एडिशन है, यहाँ पे टाटा का बैच जो है डार्क में है, यहाँ पे प्लास्टिक थोड़ा सा हार्ड है, पर यहाँ पे आपको एक सॉफ्ट मटेरियल देखने को मिलेगा। और ये एक प्योर लेदर का एक स्टीयरिंग व्हील कवर है जिसका फिट और फिनिश बहुत अच्छा है, फील भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से आप कॉल रिसीव कर सकते हो, बैटरी लेवल देख सकते हो, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे लाइट का कुछ कंट्रोल है, यहाँ पे ऑटो सेंसिंग वाइपर का कंट्रोल है, यहाँ पे ऑटो सेंसिंग लाइट का कंट्रोल है। और इस ब्यूटीफुल सा एक डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसका जो डिस्प्ले है पहले जो था एनालॉग डिजिटल डिस्प्ले, यहाँ पे आपको फुल TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और यहाँ से बहुत सारी चीज देख सकते हो, और इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको अभी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड ये वगैरह कुछ देखने को मिलेगा, RPM है, स्पीडो है, ओडो है, ट्रिप 1, ट्रिप 2 है, FM वगैरह सब चीज़ का, नेविगेशन का सब चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इंजन का हीट कैसा है वो देखने को मिलेगा, और इस स्विच के द्वारा आप मेनू को ऑपरेट कर सकते हो, टाइम डेट सेट कर सकते हो, जी फोर्स मीटर है, ब्रेक कौन सा ब्रेक में कैसा पावर है वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ यहाँ पे आपको एक OBRM का कंट्रोल करने का फीचर्स देखने को मिलेगा, यहाँ पे JBL का बॉक्स है, यहाँ पे भी एक JBL का बॉक्स देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक क्रोम फिनिश्ड डोर ओपनर देखने को मिलेगा, ये पावर विंडो के लिए है, ये लॉक के लिए है। तो बार बार मुझे नज़र यहाँ पे भी अटक रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे एक मैट ब्लैक और पियानो ब्लैक का फिनिश देखने को मिलेगा, इसमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके साथ आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, तो ये एक 26.03 सेंटीमीटर का हरमन टच स्क्रीन इंपोर्टेंट सिस्टम है, इसे जो टच है बहुत ही रिस्पॉन्सिव ये टच है, तो यहाँ से हर एक चीज़ को आप ऑपरेट कर सकते हो, मेनू को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि AQI है मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पे है, ऑटो क्लाइमेट के लिए है, रेडियो के लिए है, क्विक कंट्रोल के लिए, फ़ोन सेटिंग करने के लिए फ़ोन है, मीडिया है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो है, और यहाँ पे आपको एक वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे एक USB चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स हो, इको होम मोड
देखने को मिल जाएगा, एयर कंडीशन का कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एक डायल देखने को मिलेगा, यहाँ से आप गाड़ी का जो मोड है उसको सिलेक्ट कर सकते हो, रेन हो गया, रफ ट्रेन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, और यहाँ पे एक हिल डिसेंट मोड है। और एक चीज़ मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है वो है ये एक 360 डिग्री व्यू है, और इसका जो कैमरे का जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है, कैमरे का क्वालिटी है। फ्रंट में OBRM में और रियर में जो कैमरा है वो सारा कैमरा मिलके ये फीचर्स प्रोड्यूस करता है। ये से आप 2D देख सकते हो, यहाँ पे आप इसका 3D भी देख सकते हो, लुक्स बहुत अच्छा ग्राफिक्स है। बाहर एक अंकल बैठा है तो उसके साथ आप यहाँ से डिफरेंट टाइप से डिफरेंट एंगल से इस गाड़ी को देख सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। उसके साथ यहाँ का जो फिनिश है ये भी बहुत अच्छा है, तो कार्बन फाइबर फिनिश जैसा है। यहाँ का मटेरियल सॉफ्ट मटेरियल है, पर यहाँ का जो मटेरियल है ये हार्ड टच का मटेरियल है। और यहाँ पे आपको एक 6 फीट मैनुअल गियर देखने को मिलेगा, और इसका जो नॉब है बहुत ही अच्छा फील होता है टच करने में। उसके साथ आपको यहाँ पे एक पियानो ब्लैक फिनिश का पार्किंग स्विच देखने को मिलेगा, जो इमरजेंसी ब्रेक होता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक है, एक स्विच से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे कुछ कप होल्डर है, यहाँ पे जो हैंड रेस्ट है ये स्लाइड वाला नहीं है, इसको आप अगर जब ओपन करोगे तब यहाँ के आपको 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा। ये कूल ग्लोव बॉक्स है एक, यहाँ पे कुछ फ़ोन रख सकते हो, कुछ चीज़ रख सकते हो, और यहाँ पे 2 USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, टाइप ए टाइप सी वाला। और आपको यहाँ पे एक इल्यूमिनेटेड ग्लोव बॉक्स देखने को मिलेगा, जहाँ का पेस ठीक ठाक ही है, बहुत कुछ सामान आप इसमें रख सकते हो। और एक जो चीज़ है मुझे पर्सनली बहुत पसंद आ रहा है, जो टाटा ने इसका डिज़ाइन के ऊपर बारीकी में ध्यान दिया है वो इसका एयर वेंट का शेप, जो फ्रंट हेडलाइट के साथ सिमिलर हो जाता है। आपको यहाँ पे एक ऑटोमेटिक रियर व्यू मिरर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे LED देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे भी कुछ ट्विटर है, और यहाँ पे एक नॉर्मल सा सन वाइजर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सन वाइजर विद वैनिटी मिरर के साथ आता है ये, और इस वैनिटी मिरर में आपको लाइट भी देखने को मिलेगा। को पैसेंजर के लिए ग्रैब रेल है, और एक जो चीज़ है वो है ये जो सनरूफ है इसके कंट्रोलिंग फीचर से। इससे क्या होता, ये जो पैनोरामिक सनरूफ है आप इससे ऑपरेट कर सकते हो, और ये जो पैनोरामिक सनरूफ है ये बहुत बड़ा है। नाइट के टाइम में जब फुल मून के टाइम में इस गाड़ी को लेकर नाइट में आप निकलोगे तब क्या ही व्यू देगा ये पैनोरामिक सनरूफ। उसके साथ इस स्विच से आप इसको थोड़ा सा ओपन कर सकते हो, यस, और अभी इसको बंद कर देते हैं, और इससे ये जो सनरूफ है पूरा खोल जाता है, पर बाहर बहुत धूप है हम पूरा इसको ओपन नहीं करेंगे। ओके, अब इसको भी बंद कर देते हैं। बाहर में 43 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है भाई, बहुत तगड़ा धूप है, और देखने में ये बहुत अच्छा लगता है, यस। और ये जो सीट है बहुत प्रीमियम फील कराता है, मतलब एयर कंडीशन वेंट है यहाँ पे। ये जो डार्क एडिशन है, यहाँ पे आपको डार्क एडिशन का मैस्कॉट देखने को मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको इस सीट का एडजस्ट देखने को मिलेगा। इस स्विच से आप इस जो सीट का जो एयर वेंट है उसमें जो एयर फ्लो होता है उसको कंट्रोल कर सकते हो। ये मैनुअल है, मैनुअली इस सीट को एडजस्ट कर सकते हो। वैसे तो ये जो सीट है, मतलब ड्राइवर वाला का जो सीट है वो 6-way पावर ड्राइवर एक सीट है विथ ए मेमोरी एंड वेलकम फंक्शन, जो डोर ओपन करने के टाइम आप लोगों को दिखाया था। और एक चीज़ है जो मैं भूल गया था, इसमें आपको वॉइस असिस्ट भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप 200 वॉइस कमेंट दे सकते हो, वो भी 6 लैंग्वेज में, तो एक बहुत अच्छा चीज़ है। तो अभी एक काम करते हैं, रियर में जाते हैं, रियर सीट का जो कम्फर्ट है, जो लेग रूम है उसको एक बार चेक कर लेते हैं, और रियर से इस गाड़ी को कैसा देखने में लगता है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो रियर में बैठ के ही आप नोटिस करने वाले हो इसका जो लेग रूम है बहुत ह्यूज, एक लेग रूम है, उसके साथ अंदर तक सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। जो रियर का जो AC वेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, JBL का स्पीकर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। रियर पैसेंजर के लिए भी एक पावर विंडो है, उसके साथ इसका जो डोर पॉकेट है ये भी बहुत कमाल का है, मतलब 1 लीटर का वाटर बॉटल आराम से आ जाएगा यहाँ पे, आप फोन को रख सकते हो, गिरने का चांसेस नहीं है। उसके साथ रियर पैसेंजर के लिए यहाँ पे टाइप ए टाइप सी का 2 चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, और रियर सीट का जो कम्फर्ट है वो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आपको विथ का फोल्डर, एक बहुत प्रीमियम फील देने वाला बहुत अच्छा एक
आर्म रेस्ट देखने को मिलेगा। तो हालांकि ये कवर है पर यहाँ पे आप कुछ सामान रख सकते हो। यहाँ पे दो हेडरेस्ट देखने को मिलेगा दो रियर पैसेंजर के लिए, थर्ड पैसेंजर जो है उसके लिए कोई हेडरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ यहाँ पे आपको लाइट भी देखने को मिलेगा, एक क्रैब रेल भी देखने को मिलेगा। रियर में ये जो मटेरियल है ये सॉफ्ट टच है, अगर हाथ ऐसे रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, पर ये जो है ये हार्ड प्लास्टिक का है, ये हार्ड प्लास्टिक का है। और यहाँ पे भी एक रेड फिनिश के साथ एक डोर हैंडल ग्रैब रेल देखने को मिलेगा। तो अभी 50 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी वाला इस गाड़ी का सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे इसका पावरफुल इंजन है, जैसे इसका पावरफुल लुक्स है, उसके हिसाब से इसका जो सेफ्टी फीचर्स है वो भी बहुत कमाल का है। वैसे तो ये एडास वेरिएंट है, एडास वेरिएंट से आपको जो जो सुविधा मिलने वाला है कुछ इस प्रकार से, इसमें जो सेंसर है, जो कैमरा है, जो रैडर है वो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का है। और उन सारे हाई टेक्नोलॉजी जो गैजेट है उसके हिसाब से ये व्हीकल इसके चारों ओर मॉनिटर कर लेता है। उसके लिए जो होता है एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, और अलर्ट के जैसे कुछ फंक्शन से अगर कहीं पे कोलिशन होने का कोई संभावना है और पोटेंशियल हैजर्ड को अवॉइड करने के लिए इसमें ऑडियो और क्लस्टर में फॉरवर्ड कोलिशन का वार्निंग आ जाता है। अगर रियर से कोई कोलिशन होगा तो उसके लिए ओवीआरएम में और जो रियर व्यू जो मिरर है उसमें आपको अलार्म देखने को मिल जाएगा। तो अभी इस एडास से आपको जो जो फीचर्स देखने को मिलेगा बातों सेफ्टी वो कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे आपको हाई बीम असिस्ट देखने को मिलेगा, लेन डिपर्चर वार्निंग देखने को मिलेगा, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन देखने को मिलेगा, लेन चेंज अलर्ट देखने को मिलेगा, डोर ओपन अलर्ट है, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, रियर कलिशन वार्निंग है। ये सारा का सारा जो ये बहुत ही हाई फाई फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बात हो सेफ्टी। और इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग देखने को मिलेगा। तो ये जो गाड़ी है मतलब टाटा हैरियर का रेड डार्क एडिशन का XZ मैनुअल प्लस वेरिएंट, इस वेरिएंट का वर्धमान में अभी एक शोरूम प्राइस है 21,76,900 रुपीस। और मेरा ख्याल से इसका जो पावर है, जो परफॉर्मेंस है, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, इसका जो स्पेसिफिकेशन है, फीचर्स है, जो सेफ्टी फीचर्स भी है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये गाड़ी इस प्राइस को भाई जस्टिफाई करता है। तो यही था एक छोटा सा पर बहुत डिटेल में एक इंफॉर्मेशन ऑन दिस ब्यूटीफुल टाटा हैरियर। अगर आप लोगों को ये कंटेंट हेल्पफुल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक दे देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये प्रोडक्ट कैसा लगा वो भी मेंशन कर देना। बहुत जल्दी दूसरे कोई कंटेंट के साथ फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।